हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा था, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। ठीक, और इसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वह बल जिसके द्वारा ब्रह्मांड में तो एक ऐसा बल जिसके द्वारा जो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में सभी वर्तमान सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार एक छोटी, जैसे आगे आपको काम भी आ सकता है, गणित रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे एक छोटा टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा, वो भी आप देख लेना। जैसे ये वृत्त है उसका कोई बिंदु ये है और इस बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है उसके समानांतर, तो हम लिख सकते हैं कोई सरल रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे इसको आप ए, ये बी और ये सी। कोई सरल रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर मिलती है उस रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बी ए सी जो है वो बिंदु ए पर वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। अब अगला पॉइंट होगा हमारा जिसमें हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम जो है उसका जो सूत्र है उसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से की जाती है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य सभी पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जितने भी पिंड है प्रकृति में वो सभी पिंड आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी पृथ्वी पे जितने भी पिंड है या ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका मतलब उसके मध्य आकर्षण बल लगता है। अब ये जो आकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, साथ साथ उनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी का वर्ग होता है, उस वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी जो है उसके वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये जो बल होता है, जैसे दो पिंड है, इस प्रकार दो पिंड है, दोनों पिंडों को मिलाने वाली एक सरल रेखा होती है, उस सरल रेखा के अनुदिश होता है या उसी रेखा की जो दिशा में होता है। तो अब हम इसके उत्पत्ति की यदि हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम
का जो सूत्र हमें तैयार करना है उसकी उत्पत्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो हमें चाहिए दो पिंड, प्रकृति के कोई भी दो पिंड है, ये इनका केंद्र बिंदु है और ये इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी आर लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे, या स्मॉल डी कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलो इसको हमने डी लिखा। और ये पिंड ए है और ये पिंड बी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। तो ये हमने सामान्यतः एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब हमने लिखना है इसमें, माना ए व बी कोई दो पिंड है, ठीक है, ए व बी कोई दो पिंड है जिसके द्रव्यमान क्रमशः, जिसके द्रव्यमान क्रमशः, क्रमशः का मतलब हमने ए माना है तो ए का द्रव्यमान कैपिटल एम व स्मॉल एम है, ठीक है। माना इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, इसी को हमने मानना होगा, माना पिंड ए व बी के बीच की दूरी बताओ कितनी, डी है। बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी हमने मानी है, डी, ठीक। इन दोनों पिंडों के मध्य, ये भी मानना होगा, माना इन दोनों पिंडों के मध्य, पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F है। दोनों पिंडों के लगने वाला आकर्षण बल क्या है, F है। अतः गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, अतः गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, अब सार्वत्रिक नियम कहता क्या है कि लगने वाला जो बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी r या d जो होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला जो है वो क्या है कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल F, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ समानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको नंबर दे दो समीकरण एक, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि लगने वाला बल एफ, लगने वाला बल एफ दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी हमने मानी, डी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हमने एक नंबर दिया तो इसको हम दे सकते हैं एफ समानुपाती वन बटा डी स्क्वायर, इसको दिया समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब समीकरण एक व दो से यदि हम लिखें, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक क्या कहता है, एफ समानुपाती एम स्मॉल एम बट्टा
डी स्क्वायर, ये तो होगा एफ समानुपाती स्मॉल एम कैपिटल एम और एफ समान व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन डी स्क्वायर। तो हम इसको और अधिक लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये समानुपात के यदि चिन्ह हटाएं तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा जी एम एम बटा डी स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार बल का सूत्र हमें प्राप्त होता है। यहाँ जी यहाँ जी एक नियतांक है, क्या एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं गुरुत्वीय नियतांक। जी यहाँ पे क्या है, नियतांक जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं या गुरुत्वीय नियतांक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो समीकरण हमें, जैसे ये सेकंड समीकरण है, ये हमने थर्ड समीकरण जो है वो प्राप्त किया। देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और उससे हमने थर्ड समीकरण प्राप्त किया। अब इस थर्ड जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ इसका वज्र गुणन करने से, समीकरण थर्ड का वज्र गुणन करने से, अब इसका वज्र गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर बराबर जी एम एम, ये हो गया। अब यहाँ से हम जी एम एम जी का मान निकाल सकते हैं तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर बटा एम स्मॉल एम। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर बटा एम स्मॉल एम। और ये जो समीकरण नंबर, इसको हमने चार दिया, समीकरण चार को, समीकरण चार को गुरुत्वीय स्थिरांक का सूत्र कहते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक का सूत्र कहते हैं। किसको कहते हैं, समीकरण जो हमें चार प्राप्त हुआ उस समीकरण चार को हम गुरुत्वीय स्थिरांक का सूत्र जो है, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का सूत्र भी कहा जाता है। अब इसको फिर से ध्यान से देखना है, सूत्र की उत्पत्ति हमने देखी, ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इस पिंड भारी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम माना और इसका स्मॉल एम माना, बीच की दूरी इसको डी माना, कि माना कोई ए और बी दो पिंड है जिनके द्रव्यमान एम और स्मॉल एम, इन पिंड में ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी है और इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा है, एफ है। अतः गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या कहता है कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल एफ दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये पिंडों का द्रव्यमान है, इसका गुणनफल इसके समानुपाती हो गया, एफ समानुपाती एम स्मॉल एम। लगने वाला एफ जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बीच की दूरी डी होती है और इस डी का वर्ग उसके व्युत्क्रमानुपाती हमने लिख दिया, एफ व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन डी स्क्वायर। अब समीकरण एक व दो से जब इसमें मान रखते हैं तो सूत्र प्राप्त होता है एफ समानुपाती एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। तो जब ये समानुपात हटाएंगे तो एक नियतांक आता है जी, तो क्या हो जाएगा, एफ जी एम एम बटा डी स्क्वायर। यहाँ जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, या गुरुत्वीय नियतांक जिसको हम कहते हैं। अब समीकरण तीन जो है उसको हम वज्र गुणन करते हैं, तो एफ डी स्क्वायर बराबर जी एम एम, तो जी का यहाँ से मान निकालेंगे तो कैसा प्राप्त होता है, जी बराबर एफ डी स्क्वायर बटा एम स्मॉल एम हमें प्राप्त होता है। और ये जो समीकरण चार है वो गुरुत्वीय स्थिरांक का सूत्र प्राप्त होता है, या सार्वत्रिक गुरुत्वीय जो नियतांक है या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है
उसका इसको सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है वो गणितीय सूत्र जो हमें प्राप्त हुआ उस गणितीय सूत्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अब हमारा अगला इसमें पॉइंट रहेगा वो हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई मात्रक। तो अगला हमारा पॉइंट होगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक है उसकी गणना हम किस प्रकार से जो है वो कर सकते हैं तो वो आगे देखेंगे। तो अगला पॉइंट होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई मात्रक। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक। तो यहाँ पे ध्यान देना एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हमने सूत्र देखा था g बराबर एफ डी स्क्वायर बटा कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, ये देखा था। अब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि बल F इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। ये तो होता है बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन। दूरी d इसका मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर। द्रव्यमान m इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम। यह हम इसको लिख सकते हैं केजी, इसको लिख सकते हैं n से, इसको लिख सकते हैं स्मॉल m से। तो ये हमें पता है तो हम इसका मात्रक बना सकते हैं। तो बताओ देखे मान रख दो g बराबर f, f को हम क्या लिख देंगे न्यूटन। d क्या हो जाएगा मीटर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। साथ ही द्रव्यमान m तो कैपिटल m इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम। इसी प्रकार इंटू किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो बताओ देखे क्या होगा g बराबर न्यूटन, तो न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं n, इंटू मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो g का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। या यदि हम लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। तो ये किसके मात्रक हैं जो हमने ज्ञात किए हैं वो है गुरुत्वीय स्थिरांक जिसे जी से लिखा जाता है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक जी है उसका एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है तो वो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा इसी में एक छोटा सा पॉइंट है वो कंप्लीट करते हैं कि जो जी है इसका मात्रक हमने ज्ञात कर लिया। अब हम अगला पॉइंट होगा जी का मान होता क्या है, जी का मान कितना होता है फिक्स होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी केवेंडिश
केवेंडिश। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी केवेंडिश, इन्होंने सबसे पहले जी का मान जो है वो बताया था। तो हेनरी केवेंडिश ने सुग्राही तुला का उपयोग करते हुए, किसका उपयोग करते हैं, सुग्राही तुला का उपयोग करते हुए हेनरी केवेंडिश ने सुग्राही तुला का उपयोग किया। तो उस सुग्राही तुला का उपयोग करते हुए जी का एक मान ज्ञात किया, और वो मान कितना होता है, 6.67। जी बराबर क्या होगा, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखना, जी का ऑथेंटिक जो मात्रक होता है, सुग्राही तुला का उपयोग करते हुए हेनरी केवेंडिश ने प्रयोगशाला में इसका मान ज्ञात किया था, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में ये हमें ध्यान रखना है, तो जो जी का मान होता है, जी का मान जो है वो एक तो कणों की प्रकृति है, माध्यम समय और ताप पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम समय तथा ताप पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना, जी का जो मान है वो कणों की प्रकृति, माध्यम समय तथा ताप पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसका मान जो होता है, इसका मान सभी जगह समान रहता है। इसका मान क्या होगा, सभी जगह समान होता है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा ही मात्रक पढ़ा, और सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी है या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, उसके सूत्र की उत्पत्ति हमने करना सीखा, और उसी के साथ साथ जी की गणना वो किस प्रकार से की जाती है वो हमने आज के इस वीडियो में जाना। और अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ और बातें हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल की गणना किस प्रकार की जाती है, और ये जो गुरुत्वीय स्थिरांक या गुरुत्वीय बल का जो नियम है, सार्वत्रिक नियम, उसका उपयोग कहाँ होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।